सो गाइस, पबजी न्यू स्टेट ग्लोबली एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च हो चुका है। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग आज हो चुकी है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप जैसे ही प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर रहे होंगे तो ये आपके मोबाइल में डाउनलोड ज़रूर हो जा रहा होगा, यानी कि इसकी डाउनलोडिंग पूरी होने के बाद में ये इंस्टॉल भी आसानी से हो पा रहा होगा। इंस्टॉल होने के बाद में दोस्तों, मेन प्रॉब्लम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद में आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप जैसे ही PUBG न्यू स्टेट को ओपन करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट एक न्यू IP एड्रेस पर लेकर चले जाता है। आपके ब्राउज़र में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रिक्स को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इन ट्रिक्स की मदद से दोस्तों, आपका जो पबजी न्यू स्टेट है वो 110% में गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि ये आपके इसमें ओपन हो जाएगा, यानी कि रन कर पाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो सेटिंग्स ऐप है, सेटिंग्स ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स ऐप के अंदर यहाँ पर आपको सिस्टम मैनेजमेंट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। और दोस्तों, अगर आपके इसमें सिस्टम मैनेजमेंट वाला ऑप्शन नहीं है तो आपके इसमें डायरेक्ट अबाउट फोन वाला ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, यानी कि आपको सेटिंग्स ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर अबाउट फोन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो मेरे इसमें यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इसे सिंपली से क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, अभी मेरे इसमें ये डेवलपर ऑप्शन इनेबल है, यानी कि यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपके इसमें शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली से अबाउट फोन वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर वर्जन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली से इसके ऊपर 6 से 7 बार जल्दी से क्लिक करना है। यहाँ पर दिखा रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। अगर आप डेवलपर, आपके इसमें डेवलपर ऑप्शन विजिबल नहीं होगा, इनेबल हो जजाएगा। आप इसे जल्दी जल्दी ऐसे 3 से 4 बार या 5 से 6 बार क्लिक करेंगे तो आपके इसमें डेवलपर ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो अब इसके बाद में आपका मेन प्रोसेस इसी के बाद में स्टार्ट होती है। तो सिंपली से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में अगर आपके इसमें पहले से बंद भी हो तो आपको क्या करना है, सिंपली से इसे ऑन कर देना है। सबसे पहले इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको USB डीबगिंग वाला ऑप्शन फाइंड कर लेना है। USB डीबगिंग वाला ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑन होगा, तो इसे सिंपली से आपको इसे ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने के बाद में आपको होम बटन पर क्लिक करने के बाद में बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से अपना PUBG न्यू स्टेट ओपन करना है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा थोड़ा सा वेट करने के बाद में PUBG का जो न्यू स्टेट वर्जन है वो यहां पर चालू हो चुका है। तो सिंपली से आपको यहां से इसे डाउनलोड कर लेना है, इसके अंदर की जो फाइल्स हैं उन्हें डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अभी एक स्टेप में आपको और दिखाने वाला हूं। तो सिंपली से आपको क्या करना है, वापस से आपके रिसेंट ऐप्स में चले जाना है। रिसेंट ऐप्स में आपको यहीं पर डेवलपर वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद में आपने जो डेवलपर ऑप्शन को ऑन किया था इसे सिंपली से ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में आपका फोन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पहले जैसा था उसी टाइप से हो जाएगा और उसी टाइप से आप अपने PUBG न्यू स्टेट को रन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे कंफर्म कर दूंगा तो मेरा ये जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद में मेरा जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। सो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में आ रही PUBG न्यू स्टेट की नोट ओपनिंग वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।